मैनहोल। ढिंडोरी नाम के गांव में बुद्धिमान नाम का एक बेरोजगार युवक रहता था। हर रोज एक फाइल लेकर भगवान की तस्वीरों को प्रणाम करके इंटरव्यू के लिए जाता था। एक दिन वो यूं प्रणाम कर ही रहा था कि उसके पिताजी, बेटा तुम्हारा नाम बुद्धिमान है पर तुम में बुद्धि की कमी है। तुम बीए पास हो, तुम्हें नौकरी कौन देगा? मेरी बात मानो, अपने नारियल पानी का जो धंधा है उसे संभालो, वही काफी है। क्या पिताजी, ले दे के वो घटिया नारियल पानी का धंधा? दिस इज टू मच, मैं कभी ना कभी नौकरी पाकर ही रहूंगा। इंटरव्यू करने वाले मूर्खों तो मैं क्या करूं? अब प्लीज डोंट डिस्करेज मी डैड, कम ऑन। यूं एक दिन बुद्धिमान एक इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ इंटरव्यू करने वाले ऑफिसर के सामने चेयर पर बैठने ही वाला था। मैंने तुम्हें बैठने को तो नहीं कहा। सॉरी सर, कहकर खड़ा रहा। तुम्हारा नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम बुद्धिमान है, मैंने बीए की पढ़ाई की है। अच्छा, बुद्धिमान हो? ये बीए क्या है, ये क्या पढ़ाई है? बीए का मतलब है बीए दो बार लिखकर मैं पास हुआ हूँ सर, इसीलिए बीए रखा है। बाबा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें नौकरी मिल गई। पहले ही दिन तुम ऑफिस आते हो तो ऑफिस को आग लग जाती है, तब तुम क्या करोगे? क्या सर, पहले ही दिन ये हादसा? ठीक है, ये है ना आपके ये जो लैंडलाइन है, इसमें मैं फायर इंजन को फोन करूंगा तो फायर इंजन आएगा और आग बुझा देगा। अरे मान लो लैंडलाइन आउट ऑफ ऑर्डर हो तो क्या करोगे? तो क्या हुआ सर, सेल फोन है ना, उससे फोन कर लूंगा। अरे सेल में बैलेंस नहीं हो और वो भी काम ना करे तो? हाँ सर, ऑफिस में आग बुझाने का एक सिलेंडर होता है ना, उसे क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उससे मैं आग बुझाऊंगा सर। अरे कोई चांस नहीं, मान लो कि उसका भी गैस लीक होकर खत्म हो गया हो और वो काम ना कर रहा हो तो तब तुम क्या करोगे? हाँ सर, एक और आइडिया है, अब बाथरूम में पानी होगा ना, बकेट में पानी भर भर कर आग बुझाऊंगा, बस। वाटर बिल नहीं भरा तो पानी नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? सर एक आइडिया आया है, लिफ्ट से नीचे जाकर वहाँ, मान लो 3 महीने का करंट बिल नहीं भरा तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है, तब तुम क्या करोगे? क्या, करंट बिल भी नहीं भरा तो लिफ्ट काम ना करे तो क्या, सीढ़ियां है ना, तेजी से सीढ़ी उतर कर जाकर वहाँ सिक्योरिटी वाले से कहकर फायर इंजन को फोन करेंगे, है ना सर? अरे वो भी नामुमकिन है, सिक्योरिटी वाला बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता और शाम के 6 बजे के बाद उसे दिखाई भी नहीं देता। अब तुम क्या करोगे? ऐसा है क्या? तू क्या कह रहा है, फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, सेल में बैलेंस नहीं है, ऑफिस के फायर एक्सटिंग्विशर में गैस नहीं है, वाटर बिल पे नहीं किया तो पानी नहीं है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी वाला बहरा है और अंधा है। अरे ये कोई ऑफिस है, इसे तुम ऑफिस कहते हो कमीने? ऐसे ऑफिस में काम करने से तो अच्छा सूखे कुएं में कूद जाना है, ऐसे ऑफिस को आग लगाना ही सही है। कहते हुए लाइटर से टेबल को आग लगाया, वो टेबल यूं जलने लगा। फायर 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 कहकर चिल्लाने लगा। अगले दिन बुद्धिमान एक और जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा था। भगवान किसी तरह आज इंटरव्यू में पास करा दो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कहकर प्रार्थना किया। बाद में वो यूं जाने लगा तो अचानक एक मैन होल में गिर गया। बचाओ 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 कहकर चिल्लाने लगा। तभी एक युवक वहां दौड़ा दौड़ा आया। क्यों सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या, अरे फिल्म के लिए टिकट के लाइन में खड़ा हूँ सर, दिखता नहीं है? अरे म्युनिसिपैलिटी के मेहरबानी से यूं मैनहोल में गिर गया हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालिए सर। देखिए सर, इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े पहनकर निकला था और ये हाल हो गया है। आने वाले ने हाथ पकड़कर, इंटरव्यू के लिए किस कंपनी में? वेस्ट आइटम कंपनी सर। आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं? असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए सर। कहते ही उसने हाथ छोड़ दिया, बस बुद्धिमान फिर से एक गड्ढे में गिर गया। ये क्या, आपने हाथ क्यों छोड़ दिया? अरे बाहर निकालिए सर प्लीज।
सॉरी सर, उसी कंपनी में उसी पोस्ट के लिए मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं ना, इसीलिए मैंने हाथ छोड़ दिया, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में बुद्धिमान ने म्यूनिसिपैलिटी को फोन किया। उन्होंने आकर बहुत कोशिश करके आखिरकार पांव के बल उसे बाहर निकाला। इस तरह बुद्धिमान बच गया। लाई डिटेक्टर। एक गांव में कालिया नाम का एक चोर रहता था। वो ज्यादातर बैंक और एटीएम में चोरी करके पुलिस के हाथ लगे बिना ही वो भाग जाता था। पुलिस बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि वो दिखता कैसे है और उसे पकड़ा कैसे जाए। एक बार पुलिस ने गांव भर में नोटिस चिपकाया। उस नोटिस में लिखा था, हमारे एरिया के बैंकों और एटीएमों में चोरी करने वाले चोर का ठिकाना बताने वाले को 5,00,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट। ये पढ़कर कालिया, पता नहीं कब ये पुलिस वाले समझेंगे कि उनकी अकल है ही नहीं, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। यूं सोचकर कालिया सीधा पुलिस स्टेशन गया। वहां के एसआई से, सर मेरा नाम सचिल राव है, जिस चोर को आप ढूंढ रहे हैं मैंने उसे देखा है सर, आप एक आर्टिस्ट को बुलवा ले, मेरे कहे अनुसार अगर वो तस्वीर बनाएगा तो आप जान जाएंगे कि वो चोर दिखता कैसे है। एसआई मान गया और एक आर्टिस्ट को बुलवाया। कालिया उसका वर्णन करने लगा। अरे आर्टिस्ट भाई, मैं जो कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो और तस्वीर बनाओ। उस चोर की आंखें टाइगर श्रॉफ की आंखें जैसी हैं, नाक डेविड धवन की है, होंठ अर्जुन रामपाल की तरह और बाल शाहरुख खान की हैं, दाढ़ी अनिल कपूर की है। यूं वो जो जी में आए कहकर तस्वीर बनवा रहा था। आखिरकार एक आदमी की तस्वीर बनी। अरे बिल्कुल सही तस्वीर बनाया है तुमने। सही साहब, आप जिस चोर को ढूंढ रहे हैं वो यही है। मेरे 5,00,000 रुपए मुझे दिला दें, कैश चेक पेटीएम कुछ भी चलेगा। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये तो साबित हो जाना चाहिए कि यही वो चोर है। कॉन्स्टेबल्स, इस तस्वीर को ले जाकर पूरे शहर में ढूंढो, वो जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। अगले दिन कॉन्स्टेबल्स उस तस्वीर से मिलते जुलते चेहरे वाले को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए। सर मेरा नाम नंदन है, मैं ठेले में समोसे बनाकर बेचता हूँ सर, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दें, चाहे तो आप मेरे बारे में गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं सर, वैसे इसकी बातों पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं। ए ज्यादा बकवास ना करो सर, यही वो चोर है, पकड़ा गया तो डर के मारे यूं झूठ बोल रहा है। अरे पहले तुम आपस में लड़ना छोड़ो, आप दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ पता लगाना होगा ना, इसीलिए इस केस को लाई डिटेक्टर लाजपत राय को सौंप रहा हूँ। ये सुनकर कालिया सहम गया। बाद में लाजपत राय अपने यंत्रों के साथ वहाँ आया। पहले एक हेलमेट जैसे उपकरण को नंदन को पहनाया, टेबल पर एक लैपटॉप रखा। बाद में लाजपत राय, नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट यू, तुम्हारा नाम उम्र तुम क्या काम करते हो, परसों शाम को 5 बजे तुम कहाँ थे, सब कुछ ठीक ठीक बताना। सर मेरा नाम नंदन भाटिया है, मैं 25 साल का हूँ, मैं एक समोसे का ठेला चलाता हूँ सर, परसों शाम को 5 बजे मैं अपने ठेले के पास ही खड़ा था सर, तब लैपटॉप के पास हरी बत्ती जली और इस राइट की आवाज आई। उसके बाद कालिया का टेस्ट शुरू हुआ। ये क्या है सर, मैं तो आपकी मदद करने आया था तो आप मेरा ही टेस्ट ले रहे हैं, वैसे इंसान की बातें मानेंगे या ये बेकार की मशीन की बातें मानेंगे। ये सुनकर लाजपत राय ने कालिया को खूब जोर से थप्पड़ मारा। मुझे कुछ भी कहो सुन लूंगा, मेरे इक्विपमेंट के बारे में तुमने कुछ बोला तो मार डालूंगा, जानते हो इसने कितने चोरों को पकड़वाया है, बताओ तुम्हारा नाम उम्र शादी हुई है कि नहीं, परसों शाम को तुम क्या कर रहे थे, सब बताओ। ये सुनकर कालिया को टेंशन हुआ और मेरा नाम सचिल राव है, उम्र 27 साल, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तभी उस मशीन का लाल बत्ती जला और इस लाइन लाजपत राय ने फिर एक थप्पड़ मारा। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, परसों शाम को मैं
मंदिर में भजन कर रहा था, मेरा विश्वास करें। तुरंत रेड लाइट फिर जला और ईस्ट लाइन की आवाज आई। लाजपत ने फिर एक थप्पड़ मारा और एसआई साहब, ये सब झूठ बोल रहा है, इसकी पूछताछ पुलिस स्टाइल में करेंगे तभी ये सच बताएगा। सर मुझे माफ कर दें, साहब सच कह रहे हैं सर, आप जिस चोर को ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ, आपको गुमराह करने के लिए मैंने ये नाटक किया था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। बस नंदन के साथ जितने भी पुलिस वाले वहां थे सब ने मिलकर इसे खूब मारा और जेल में डाल दिया।